हेलो बच्चों, आज मैं कुछ पढ़ाने नहीं आया हूं। आज मैं आप लोगों से कुछ बात करने आया हूं, कुछ डिस्कशन करने आया हूं। आज एक न्यूज आई, आज है 26 अप्रैल, है 26th of April है, और अपना रिवीजन चल रहा है, और 7 मई को हमारा नीट का एग्जाम है। ऐसे में टीचर भी थोड़ा सा उस मोड में रहते हैं कि बच्चों के एग्जाम है, और बच्चे भी उस मोड में रहते हैं कि हमारा अब साल भर का जो मेहनत है उसका फाइनल जो है टाइम आ रहा है, उस अपना जो है एफर्ट लगाने का। अब ऐसे में मुझे बड़ा दुख हुआ आज एक न्यूज़ देखकर। अभी मैं जस्ट क्लास से उठा था तो मैंने एक न्यूज़ देखी, और जस्ट अभी की बात है, जस्ट मेरे ख्याल से 1 घंटे पहले मेरी क्लास खत्म हुई है। उसके बाद मैंने क्लास से निकला हूं और एक न्यूज़ देखी है, और तभी कुछ बच्चों का मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज आता है कि सर ऐसा ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ है, और ये सिनेरियो क्या हुआ है ये मैं शेयर करता हूँ। कुछ में से आप लोग बच्चों को मालूम भी अब तक चल गया होगा कि एक न्यूज़, और ये न्यूज़ मैंने देखा है कहाँ, दैनिक भास्कर का ये पोर्टल है, न्यूज़ पोर्टल। उस न्यूज़ पोर्टल से ही मैं आपको ये चीज़ें ब्रीफ कर रहा हूँ। हुआ क्या है कि आज की डेट में, यानी आज ही 26 अप्रैल, 26th of April 2023 को एक घटना घटी है, एक दुर्घटना घटी है कोटा में। कोटा में एक बच्ची है, एक स्टूडेंट थी, मतलब बच्ची थी, और उसका एक सुसाइड का केस आया है, और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है उन पेरेंट्स के लिए जिन पेरेंट्स ने बच्चे को भेजा था। मैं आपको ये न्यूज़ भी आपको ब्रीफ करके बताऊंगा कि क्योंकि ये पब्लिक पोर्टल पर ये न्यूज़ है, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई बच्चों को मालूम होना चाहिए कि कोटा में नीट की स्टूडेंट ने किया सुसाइड, और हॉस्टल में फंदा लगाया। 1 साल से कर रही थी कोचिंग, और फिर लिखा है मानसिक तनाव में थी छात्रा। फिर उसके बाद आता है कि कोटा में नीट की तैयारी, बच्ची है, नाम है इसका राशि जैन, 19 साल उम्र है, सागर मध्य प्रदेश हमारे ही बगल की रहने वाली ये बच्ची थी, और 1 साल से कोटा में रह के ये तैयारी कर रही थी, और बताया जा रहा है कि वो काफी बीमार थी इस चीज के चलते। अब बीमार का मतलब क्या होता है? क्या मानसिक रूप से बीमार थी? ऐसा तो नहीं है कि अचानक से कोई बच्चा मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। मैं उन के कारणों की मैं बात करूंगा बच्चों, ठीक है? फिर इस वजह से वो मानसिक तनाव में थी, और जहां MBM हॉस्पिटल है वहां पर उसका पोस्टमार्टम कराया गया। फिर उसके बाद जानकारी ये है कि तलवंडी इलाके में वो रहती थी, और जो रिलेटेड बेसिक बातें हैं। कुल मिलाकर मैं ऐसी किसी भी न्यूज का, मतलब जो ये घटना हुई है, ये घटना का मतलब कोई ऐसी ये बात है, ये दुर्घटना है बच्चों, और ये कारण समझना पड़ेगा कि ये क्यों हुई है। और ऐसा नहीं कि ये कोटा से रिलेटेड है, मैं एकदम नहीं बोलूंगा ये कोटा से रिलेटेड। एक दुर्घटना कहीं भी हो सकती है, किसी भी शहर में हो सकती है। मेरा जो मोटिव है वो ये है कि ये क्यों हुआ। और फिर अब न्यूज वाले तो भाई अपना जो न्यूज चलाते हैं उस चीज को लेकर डिस्कशन होता है। मेरा जो आपसे डिस्कशन है वो ये डिस्कशन है कि बच्चों क्या ऐसी स्थिति बन रही है कि एग्जाम से 10 दिन पहले, एग्जाम से 15 दिन पहले एक बच्चा ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंच जाता है, एक ऐसी मेंटल कंडीशन में पहुंच जाता है कि वो ऐसा कदम उठाता है जिसके बारे में उसने या उसके पेरेंट्स ने या किसी ने भी कभी नहीं सोचा। तो ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हुई, ये स्थितियां कैसे बनती हैं, सबसे पहले उसको समझने की कोशिश करें। तो पहली बात है कि कभी भी, जैसे अगर हम बोले तो इसमें जो एक एक रीजन मैं बात करूंगा, क्योंकि ऐसा कोई ये टॉपिक नहीं है कि इस पे पॉइंट मैं डिस्कस करूं आपसे, ये पॉइंट है, फलाना पॉइंट है। ये जो मैं ये मानता हूं ना कि इसका सबसे बड़ा रीजन, बच्चों एक बात ध्यान रखो, आप स्टूडेंट हो, आप बच्चे हो, और मैं बार बार ये चीज कहता हूं कि हमारी जो मेंटल सिचुएशन होती है ये टोटली हमारे हॉर्मोन्स के कंट्रोल में होती है। तो ऐसा नहीं कि इस पे मैं आपको हॉर्मोन्स के बारे में कुछ बताने जाऊं। बच्चों सबसे जो एक बात है ना, नेगेटिव मोटिवेशन से दूर रहो। नेगेटिव मोटिवेशन जो है ये आपके लिए, हमारे लिए एज ए टीचर, मेरे लिए भी, या आपके लिए, या किसी भी दूसरे पर्सन के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। नेगेटिव मोटिवेशन,
नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है? अननेसेसरी चीजों को ग्लैमराइज करना, अननेसेसरी जिसकी जरूरत नहीं हो चीजों को ग्लैमराइज करना। और ये मैं कह रहा हूं कि ये हम टीचर्स को, ठीक है, मैं अपनी बात भी कर रहा हूं और जो और भी टीचर्स हैं जिन जिनको बच्चे जिनसे पढ़ते हैं, जो बच्चे जिनकी सुनते हैं, उन टीचर्स के लिए भी है कि आप नेगेटिव मोटिवेशन को ग्लैमराइज मत करिए। ठीक है, कंपटीशन किसी का सगा नहीं होता। कंपटीशन एक ऐसी, सबसे बड़ा कंपटीशन लाइफ है बेटा, सबसे बड़ा कंपटीशन लाइफ है, और कंपटीशन किसी का सगा नहीं होता। और लाइफ से बढ़कर जीवन में कोई कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि सबसे बड़ा कंपटीशन खुद क्या है? लाइफ। तो अगर मैं ये मानता हूं कि अगर मेरी बात एक बच्चे को भी समझ में आ जा रही है, देखो लाइफ है, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके जीवन में चैलेंजेस ना हो, जिसके जीवन में परेशानी ना हो, जिसकी लाइफ में परेशानियां ना हो, कोई ऐसा नहीं। जो लोग ऐसा दिखाते हैं ना कि मेरी लाइफ में कोई बार झूठ बोलते हैं, वो ऐसे लोगों से दूर रहो जो अपनी परेशानियां नहीं बताते या अपनी दिक्कतें नहीं बताते, क्या परेशानी चल रही लाइफ में। मैं कह रहा हूं नहीं बताओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन झूठ ये होता है ना, अननेसेसरी डीमोटिवेशन, नेगेटिव मोटिवेशन को ग्लैमराइज करना। दुनिया में हर इंसान है जिसकी लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी चल रही है और हमेशा चलती रही है। लाइफ की परेशानियां कभी खत्म नहीं होती, और लाइफ खुद सबसे बड़ा कंपटीशन होता है। हमें उन परेशानियों से, उन चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ना होता है। चीजों को ग्लैमराइज करके, अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन बना के लाइफ नहीं चलती बेटा, आगे नहीं, कुछ अचीव नहीं होगा। तो इसलिए इस बात को समझो, पहली बात कि नेगेटिव जो मोटिवेशन है उससे अपने आप को दूरी बनाओ। हमारी जो इच्छा है भाई, हमारी इच्छा, हम कहते हैं, हम हमारे हमारा एम्बिशन है, हमारी महत्वाकांक्षा है, हमारी इच्छा है, हम पूरी मेहनत से उसके लिए लगते हैं। पूरी मेहनत से लगो, अपना 100% दो, लेकिन याद रखो बेटा, लाइफ से बड़ा कोई कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं। मैं खुद बोलूं, मैं नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, लाइफ से बड़ा कोई कंपटीशन। जीवन भगवान की देन है। हमारे माँ बाप ने, हमारे पेरेंट्स ने बहुत कुछ सोचा है हमारे बारे में, बहुत कुछ आपके बारे में। सबसे बड़ा तो मैं उस माँ को बोलूंगा जिसने, जिसको ये नुकसान हुआ है, उस माँ बाप, उन माँ बाप पे क्या आज के दिन में बीत रही होगी। बच्चे एक बार नहीं सोचते, हमारे पेरेंट्स पे क्या जाएगी, क्या गुजरेगा उन पे। तो बड़ा ये दुख है मुझे, और होना चाहिए सभी को, कि ऐसी दुर्घटना घटती है और बच्चे इतनी, तुम लोग की क्या बोला जाए, क्या तुम लोग की एज क्या है, मतलब किस एज में तुम लोग इतना बड़ा डिसीजन लेने का सोच लेते हैं बच्चे, बताइए। इतना बड़ा, मतलब आज के समय में मैं बोलूं कि हर आदमी कुछ ना कुछ मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है, कुछ ना कुछ मेंटल सिचुएशन से गुजर रहा है, सभी के साथ है। लेकिन इसमें इसको ग्लोरीफाई करने वाली कोई बात नहीं है, और अननेसेसरी हवा फूंकना भी अननेसेसरी मोटिवेट करना, अरे नहीं तू दौड़ेगा, भाई जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, उस रियलिटी को एक्सेप्ट किया जाता है बेटा। रियलिटी को एक्सेप्ट करना, अच्छे के लिए प्रयास करना, यही लाइफ है, और ये पूरी लाइफ चलता रहे, पूरी लाइफ चलता रहे। तो कभी भी कोई भी ये ना सोचे कि कुछ भी, लाइफ का टारगेट हमारी लाइफ से बढ़कर, लाइफ का टारगेट होता है, टारगेट के लिए लाइफ नहीं होती। हमारा जीवन का एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य तक हमें पहुंचना होता है, उसके लिए हम प्रयास करते हैं, उसके लिए अपनी काबिलियत बढ़ाते हैं। काबिलियत समझ रहे होगे, हमारा लाइफ उस टारगेट के लिए नहीं बेटा, इस बात को समझो। जीवन में कुछ भी, कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी टारगेट हो, कोई भी
इंसिडेंट हो वो आपकी लाइफ से बड़ा नहीं होगा, आपका लाइफ आपकी जीवन का सबसे बड़ा इंसिडेंट होता है। ठीक है, मेरा भी सपना था, हमारा भी सपना था कि हम प्रधानमंत्री बने, होगा किसी ना किसी का तो होगा, लेकिन अब ये सोचें या कुछ और भी बड़ा सपना हो सकता है, कुछ भी सपना हो सकता है, टारगेट क्या, अपना एम्बिशन है, जो सोचना है वो सोचे, लेकिन वो हमारी लाइफ से बड़ा तो नहीं है। कोई भी सपना बेटा लाइफ से बड़ा नहीं होता, याद रखना, क्योंकि लाइफ केवल हमारी नहीं होती, लाइफ पे उसका भी अधिकार होता है जिसने ये लाइफ दी है, हमारे माता पिता, सबसे बड़ा अधिकार, और उनमें भी सबसे बड़ा अधिकार हमारी माँ का है। और हम ऐसा कुछ सोचना भी कैसे, ऐसा कुछ सोचने से कुछ भी कभी नहीं, कोई भी एग्जाम, कोई भी कंपटीशन, कोई भी टारगेट अपनी लाइफ से बड़ा नहीं होता बेटा। हम लाइफ है तो बड़े बड़े टारगेट अचीव कर सकते हैं। और ये बात अभी तुमको ऐसी लगेगी कि लाइफ में जब छोटा टारगेट नहीं मिलता तो बड़ी उसके लिए ईगरनेस जागती है, कि बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है, लेकिन लाइफ के लिए छोटा टारगेट नहीं मिलना ये बताता है कि कई बार, बहुत सी बार ये देखा गया है कि बड़े टारगेट अचीव होते हैं। तो ये बात याद रखना, लाइफ से बड़ा कोई कॉम्पिटिशन नहीं बेटा कभी भी। और लाइफ में यही है ना, हम लोग पढ़ते हैं, लाइफ तो भाई अप्स एंड डाउन से बनी हुई है। आप जीवन में कुछ भी कर लो, आपकी जो परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी। आप MBBS बन जाओ, आप MD कर लो, MS कर लो, आप हॉस्पिटल खोल लो, आप IPS बन जाओ, IAS बन जाओ, सीनियर ऑफिसर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, आपकी लाइफ के परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी। तो ये मान लो कि परेशानियां तो बेटा लाइफ का पार्ट है, और लाइफ से बड़ा कोई कंपटीशन या कोई भी टारगेट नहीं होता। ठीक है, ये बात याद रखो। और अगर मेरी बात एक भी बच्चे के लिए कुछ भी पॉजिटिव एक असर देती है, कुछ भी अगर सोच में आपके, और कोई भी आपको परेशानी हो, कई बार ऐसा होता है कि कुछ अपने माता पिता से डिस्कस करो उसको बेटा। आपको अपने से ज्यादा, खुद से ज्यादा जो है ना, जो आपको समझ सकता है वो आपके माता पिता है। अपने टीचर से डिस्कस करो, जिससे भी आप समझते हो, कि जिसको भी आप अपनी बात समझा सकते हो, जो भी आपकी बात समझ पाए, जिससे आप डिस्कशन करते हो, उनसे डिस्कस करो, बात करो, कन्वर्सेशन करो। लेकिन ये कोई रास्ता नहीं होता कि ऐसी कोई घटना आप करो। लाइफ आपकी दी हुई नहीं है, लाइफ आपकी है लेकिन आपकी दी हुई नहीं है। इस पे सबसे बड़ा अधिकार आपके माता पिता का है। और किसी के भी बच्चे का अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो उससे बड़ा दुख तो उस माता पिता के जीवन का कुछ है ही नहीं। आप इतने बड़े स्वार्थी हो गए हो कि अपने माता पिता को इतना बड़ा जीवन का दुख दे रहे हो, इससे बुरी बात तो कोई हो ही नहीं सकती फिर आप किसी, है ना। तो याद रखो कि जीवन से बड़ा कोई कंपटीशन नहीं होता बेटा, नो कंपटीशन इज लार्जर देन लाइफ। ठीक है, तो इसी बात पे मैं अपनी इस अपनी बात को मैं विराम दूंगा। इसको याद करो, ध्यान रखना, और कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या आप अपने माता पिता से बात करो, किसी से भी, जिससे भी आपका एक हेल्दी डिस्कशन होता हो उससे आप जरूर बात करो। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई इंसिडेंट या कदम उठाना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं। ठीक है।